कुछ ही दिन पहले बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक योग शिविर कराते वक्त बोल दिया कि सभी मुहूर्त भगवान ने ही बनाए हुए हैं, तो सभी मुहूर्त अच्छे हैं। ज्योतिषी जब कहते हैं कि ये मुहूर्त अच्छा नहीं है, ये समय अच्छा नहीं है, तो वो झूठ बोल करके आपको बहकाते हैं, डराते हैं। तो इस प्रकार से बाबा रामदेव ने ज्योतिष विद्या पर सवाल खड़ा कर दिया, ज्योतिष विद्या को गलत ठहराने की कोशिश की। और ये बयानबाजी सुनकर के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग और ज्योतिष विभाग के अध्यक्ष विनय पांडे जी ने सरकार को पत्र लिखा है और कहा है कि बाबा रामदेव का मानसिक संतुलन शायद बिगड़ चुका है। तो उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए भी बाबा रामदेव को चुनौती दी है और कहा है कि ज्योतिष विद्या के जो विद्यार्थी है उसमें प्रथम कक्षा का विद्यार्थी भी उनके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकता है, उनके साथ शास्त्रार्थ कर सकता है। तो बाबा रामदेव ने बिना सोचे समझे इस तरह से ज्योतिष विद्या पर जो सवाल खड़ा किया है वही सूचित कर रहा है कि उनके मन मस्तिष्क पे शनिदेव की साढ़े साती का दूसरा चरण अच्छी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वो सोच समझ कर बोलने के बिना बजाय बिना सोचे समझे बोल देते हैं। तो ये एक चीज हम सभी को ध्यान में रखनी होती है। जब भी शनिदेव की साढ़े साती होती है, उसका द्वितीय चरण जब होता है और तृतीय चरण जब होता है, तो वो हमारे मन मस्तिष्क विचार हमारी वाणी उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। ये ग्रह जो भी सूर्य चंद्र गुरु शनि मंगल बुध शुक्र, इन सभी ग्रहों का सभी मनुष्यों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कुछ ही दिन पहले मथुरा में एक कार्यक्रम में बाबा रामदेव हाथी के ऊपर सवारी कर रहे थे और हाथी के अचानक हिलने के कारण बाबा रामदेव हाथी से नीचे गिर गए। और इस विषय में भी शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति अपनी सवारी से नीचे गिरता है तो ये एक अपशुकन है। और इस विषय में किसी ज्योतिषी ने बाबा रामदेव को चेतावनी दी थी कि संभल जाए, अन्यथा वो अपनी हाई पोजीशन से नीचे गिर सकते हैं। लेकिन इससे उनको शायद बुरा लगा और इसीलिए उन्होंने ज्योतिष विद्या पर गलत बयानबाजी कर दी कि मुहूर्त शुकन अपशुकन वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन अब उसका दुष्प्रभाव उनके सामने स्पष्ट हो रहा है। अपनी गलत बयानबाजी के कारण वो विवादों में घिर चुके हैं, उनके ऊपर FIR होने जा रही है, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा होने जा रहा है और वो खुद ही मामलों को ज्यादा ज्यादा उलझाए जा रहे हैं। इनकी जन्म कुंडली के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 6 साल इनके लिए बड़ी कसौटी के हैं। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2021 ये 3 महीने उनके लिए और ज्यादा कष्टदायी होंगे। तो ये हम इनकी जन्म कुंडली का, लग्न कुंडली का, दशांश कुंडली का, नवांश कुंडली का और ताजक कुंडली, इन सभी कुंडलियों का अध्ययन करके आप सबके सामने बता रहे हैं कि बाबा रामदेव के लिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीने वर्ष 2021 के ज्यादा कष्टदायी होंगे, ज्यादा परेशानी में वो घेर सकते हैं और अगले 6 साल उनको अलग अलग कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। हम बाबा रामदेव का आदर करते हैं, हम इनके विरोधी नहीं हैं, लेकिन ये जो गलत बयानबाजी करते हैं ये सही नहीं है, तो ये इन्हें अवश्य सुधारना चाहिए। बाबा रामदेव को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, साथ ही हम सभी जनता को कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति पर ग्रहों के गोचर का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की उपस्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। स्वयं को कभी भी ग्रहों से परे, शास्त्रों से परे, कायदे कानून से परे नहीं समझना चाहिए, अन्यथा आप कितने भी बड़े हो, बड़ी पोजिशन से नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। शनिदेव सभी को अपने कर्मों का परिणाम, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मों का बुरा परिणाम अवश्य ही देते हैं। तो हमेशा नम्रचित्त रह करके ज्योतिष विद्या शास्त्रों का ज्ञान उन सभी को सिर माथे रख करके
परमात्मा को याद करके, नम्र चित्त होकर के, सबके लिए शुभ चिंतन करके हमें जीना चाहिए, यही ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार मित्रों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आपके प्रतिभाव हमें कमेंट्स के द्वारा अवश्य दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने मित्र संबंधियों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमारे लाइव सेशन में भी जुड़ सके और हमसे लाइव एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन भी प्राप्त कर सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम।